कश्मीर घाटी से एक बड़ा बयान आया है जिसने सरकार की आलोचना की है, और वो हैं जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष और पहली जो महिला मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर बनी थी वो महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती। इल्तिजा मुफ्ती जिनका एक बयान सामने आया, एक वीडियो जारी उनकी तरफ से किया गया और कई तरह के आरोप उनने सरकार पर लगाए कि सरकार की ऐसी रणनीति है, ऐसे फैसले हैं, ऐसी पॉलिसी है जिससे हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी तैयारी के बीच खौफ का माहौल देश भर के अंदर पेश किया गया है। इनमें सबसे बड़ी परेशानी जम्मू कश्मीर के अंदर जो खड़ी कर दी गई है, जहां किसी को सच बोलने की इजाजत नहीं है, और जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक तरह से इल्तिजा की एंट्री समझ लीजिए, जहां पर उनने सरकार पर अफरा तफरी का आलम और माहौल खराब करने के प्रयास जैसे इल्जाम या आरोप एक बार फिर से लगाए हैं। एक माहौल बनाया गया है। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर तारीख के एक बदतरीन दौर से गुजर रहा है। एक ऐसा निजाम, एक ऐसी डिस्पेंसेशन दैट इज डेस्टिट्यूट ऑफ एनी विजन ने हमारी रियासत को अफरा तफरी की तरफ धकेल दिया है। मुल्क के तमाम सेक्युलर और जमहूरियत की बुनियादी वैल्यूज को खत्म किया जा रहा है, और ये एक ऐसे वक्त किया जा रहा है जब एक जमहूरी और सेक्युलर हिंदुस्तान को एक हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। तो मुल्क की एक अकेली मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट पर इसके डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमारे बेसिक राइट्स के साथ साथ बात करने की आजादी तक को खत्म कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में खामोशी और खौफ का एक माहौल बनाया गया है। अब सच बोलने की कीमत भी चुकानी पड़ रही है। इन खतरनाक हालात में हम पर किए गए जुल्म और नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है, और इस वीडियो का मकसद ये है कि हमारे दरमियान एक बातचीत शुरू हो, क्योंकि हमारे राइट्स और हमारी डिग्निटी छीनने के बाद भी हमसे हमारी आवाज कतई नहीं छीनी जा सकती। जम्मू कश्मीर में अभी हर तरफ से मायूसी और बेबसी का आलम है, और हम पर इस मकसद से जुल्म ढाए जा रहे हैं। देश के अंदर खौफ का आलम है, और डर या जम्मू कश्मीर या किसी एक राज्य के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर ऐसी हालात पैदा ऐसे किए गए हैं जहां पर किसी को सच बोलने की इजाजत नहीं। इल्तिजा मुफ्ती बयान दे रही थी, ये वही इल्तिजा मुफ्ती हैं जब महबूबा मुफ्ती यानी जम्मू कश्मीर राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री जब घर में नजर बंद थी अनुच्छेद 370 हटने के बाद, तो इल्तिजा मुफ्ती ने अपनी मां की रिहाई के लिए उस समय सर्वोच्च अदालत का दरवाजा भी खटखटाया था। उस समय भी इनके बयान दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक जरूर सुर्खियों में रहे थे। आज एक बार फिर बयान